देश के सबसे बड़े सूबे में सियासी समर चरम पर है और ऐसे में सियासतदान के शब्दकोश में रोज नए नए शब्दों का इजाफा हो रहा है। आजकल गर्मी चर्बी कब्रिस्तान तमंचावादी शब्द छाए हुए हैं और इससे पहले चंदाजीवी आंदोलनजीवी जालीदार टोपी जैसे शब्द भेदी बाढ़ से नेताजी के एक दूसरे पर हमले आपने भी सुने होंगे। सवाल है कि नए नए शब्द आखिर आते कहां से? यूपी में चुनाव है, बेहिसाब तनाव है, जिसे जहां मौका मिल रहा है वो मौका नहीं छोड़ रहा। यहां गर्मी है, चर्बी है, सियासत बड़ी बेदर्दी है। गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी उसके बाद, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूँ। और जहां तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। जितने भी हम लोग बैठे हैं, अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा क्या रहेंगे। और तो और यूपी चुनाव में शिमला है, कंप्रेशर है, कंबल है, यानी नेताजी रॉक ऑन, सियासत फुल ऑन। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। तो क्या मुख्यमंत्री जी हमारे कंप्रेसर हैं? यूपी का रण है, कब्रिस्तान है, शमशान है, रमजान है, चचा जान है, भड़काऊ भाई जान है, लैला मजनू भी है, चंदा जीवी है, तो आंदोलन जीवी भी है, और न जाने क्या क्या है। तमंचा बनाते थे लूटपाट करने, राहगरी करने के लिए, हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं देश की रक्षा करने के। ये चिलम जीवी लोग उत्तर प्रदेश को आगे नहीं ले जा सकते। इससे पहले आंदोलन जीवी सीरीज काफी ट्रेंडिंग थी, जिसके बाद चिलम जीवी और चंदा जीवी जैसे शब्द सोशल मीडिया पर छाए रहे। लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। हम तो कह रहे हैं उन लोगों से कि जो मुख्यमंत्री आवाज में धुएं के धब्बे लग गए हों तो मिटा दो, क्योंकि नई सरकार आने वाली है। अब्बा जान सीरीज ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी, जिसके बाद चचा जान भड़काऊ भाई जान की गूंज भी जमकर सुनाई दी। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। सियासी समर में टोपी पॉलिटिक्स की टीआरपी भी गजब की रही। लाल टोपी, काली टोपी, सफेद टोपी और फिर जालीदार टोपी। जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवॉल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? कभी योगी बोले एक्सीडेंटल हिंदू, तो कभी ओवैसी बोले लैला मजनू। क्योंकि वो संकेत दे रहे हैं कि घर पे लड़का है जो लड़ नहीं सकता है। हर टीवी के इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी के मजनू बन चुके हैं और बार बार लैला को याद करते हैं। आप भी सियासी तड़के की इस डिक्शनरी से निकलने वाले नए नए शब्दों का इंतजार करिए। यकीन मानिए, जल्दी ही मार्केट में नया शब्द आने वाला है जो आते ही छा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।